एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारी व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो भाई, हम दोनों की तरफ से आप सबको रमजान बहुत 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 मुबारकबाद हो और हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हम भी आप सब लोगों को अपनी दुआओं में याद रखेंगे इंशाल्लाह। और दुआ कीजिएगा सबके रमजान बहुत अच्छे गुजरें और हालात बहुत अच्छे रहें, कोरोना चला जाए बिल्कुल से। हाँ। ताकि सब कुछ नॉर्मल सा हो जाए, इबादत अच्छे से हो जाए और सारे रोजे अच्छे से गुजरें, सबको सब्र रहे और सब अच्छा अच्छा हो जाए। और अच्छा जी, आपसे आज का जो ब्लॉग है, जो आज हम शेयर कर रहे हैं, वो ये है कि मिनी शॉपिंग हॉल है, जो रमजान की लास्ट की बिल्कुल लास्ट मोमेंट वाली जो शॉपिंग हमारी रह गई थी तो वो हमने की थी, तो उसका ब्लॉग आज आपसे शेयर करने वाले हैं। और होता है ना, थोड़ी 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 चीज़ें रह जाती हैं तो फिर वो लास्ट में जाके हमने लास्ट में हम लोग गए थे और जाना ज़रूरी था क्योंकि हमने रमज़ान से कुछ 15 दिन पहले अपनी ग्रॉसरी कर ली थी। तो हमने यही सोचा था, जो जो सामान रह गया है या कुछ अगर ज़रूरत हुई हमें ख़रीदने की तो हम चले जाएंगे दोबारा। लेकिन लास्ट में जाने के लिए ना बहुत सोचना पड़ता है, वही हुआ था हमारे साथ कि बहुत ज़्यादा हमें रश मिला था वहाँ पे, 2 घंटे ट्रॉली पे खड़ा रहना पड़ा, मतलब काउंटर पे खड़ा रहना वो पड़ा। तो अभी मैं आपको क्लिप भी दिखाऊंगी कि वहाँ पे रश कैसा था और आप लोग को भी अंदाज़ा हो ही जाएगा। वैसे भी सब लोग गए होंगे तो सभी को अंदाज़ा होगा ही कि कैसा रश था। बाहर ट्रैफिक जैसा है, उसी तरह किसी भी स्टोर पे, खाली इम्तियाज की बात नहीं है, भी और अंदर भी सब जगह पे इतना ही रश है। तो खैर, अब तो रमजान स्टार्ट ही हो गए हैं और ऑलमोस्ट सबकी ग्रोसरी हो गई होगी और ज्यादातर हो गई होगी, 80% हो गई होगी ग्रोसरी। तो खैर, बस हम स्टार्ट करते हैं, देखिए जाके एंजॉय कीजिए हमारी ग्रोसरी एंजॉय कीजिए, जो मिनी शॉपिंग हमारा हॉल है रमजान का। और हमें अपनी बहुत सारी अच्छी अच्छी दुआओं में याद रखिएगा। हम लोग गए थे अपने लास्ट मोमेंट वाला सामान लेने के लिए, शॉपिंग करने के लिए। दो दो चीज़ों की ज़रूरत थी जो हमें चाहिए थी लास्ट मोमेंट पे। तो हमने कहा चलो आज जाके हम फिनिश करते हैं, क्योंकि 2 दिन के बाद रमज़ान स्टार्ट हैं और लास्ट मोमेंट पे आप 1 दिन पहले जाओ या 2 दिन या 3 दिन पहले जाओ, रश तो बहुत मिलता है। रश तो फिर और आज इत्तेफाक से आज संडे था और जबकि हमने पूरी कोशिश की थी सुबह जाने के लिए, तो हम पहुंचे थे तकरीबन 11:30 बजे ना, उधर 11 बजे हम पहुंच चुके थे वहाँ पे। रश का आलम था लेकिन हमने हिम्मत करी क्योंकि हम दोनों ही गए थे। और फिर हम लोग खैर अंदर चले गए और हम 2-3 जगह पे गए थे। तो खैर, इम्तियाज़ में लास्ट में दिखाऊंगी क्योंकि हमेशा हम इम्तियाज़ पहले दिखा देते हैं। इस बार हम स्टार्ट करते हैं कबाब जी से। हाँ, जो रमज़ान के लिए हमें लेनी थी चीज़ें ना। अच्छा, रमज़ान के लिए मुझे लेनी थी थेनिया और खजला, क्योंकि पिछले साल इनकी ना ये फेनियाँ हमें अच्छी लगी थी। हाँ, हमने ट्राई की थी पिछले तो साल। खजला अभी तक उन्होंने बनाया नहीं है तो इनकी शॉप पे था नहीं। हाँ, तो अभी खाली 2 फेनियाँ ली हैं। 2 फेनियाँ ले ली और इसके अलावा मुझे इत्तेफाक से वहाँ मिल गई मांडपटी। इसके प्राइस हैं 150 रुपीज़ और ये ज़्यादा है, क्वांटिटी अच्छी खासी है। और ये कितनी ग्राम है मैं बता देती हूँ, ये 500 ग्राम है तो अच्छी खासी। ये देख सकते हैं आप लोग कि कितनी ज़्यादा क्वांटिटी है। अब जब बनाएंगे ना तो जब तक ये आपको व्लॉग मिलेगा आपको हम इसकी क्वालिटी बता चुके होंगे। हाँ, क्वालिटी बता चुके होंगे। और इसके अलावा ये कौन सा लिया है, फ्रेंच है, ये एक चिप्स का पैकेट ले लिया हमने और एक ही दाल मोठ का पैकेट लिया है। ये वैसे ही ले लिया लेकिन हम सिर्फ फेनिया लेने गए थे। हाँ, फेनिया और मांडापट्टी देखने गए थे क्योंकि अच्छी मांडापट्टी ना हर जगह से नहीं मिलती, हर जगह की मांडापट्टी अच्छी नहीं होती। तो खैर, मुझे यहाँ से ये मिल गई और दूसरा कबाब जी जाएं और हम कुछ पेस्ट्री ले लें, ऐसा हो नहीं सकता। अच्छा, ये दूसरा पैकेट खोलो। खोलती हूँ। इसमें हमने लिए थे कपकेक, अच्छे लग रहे थे उधर रखे हुए तो वो ले लिए थे। मैं भी खोल के दिखा देती हूँ जल्दी से। हाँ, इससे पहले ज़्यादा मेल्ट हूँ।
हो चुके होंगे अब तक। नहीं 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 शुक्र मेल्ट नहीं हुए। ये है जी, ये कौन से हैं, आई थिंक सो ये है बेल्जियन और वो वाला है डार्क चॉकलेट। दोनों हमने चॉकलेट फ्लेवर लिए, यम्मी। ये बहुत मज़े के होते हैं यार। गिर चुका बेचारा, कोई बात नहीं, छोड़ो छोड़ो तो छोड़ो, सीधा नहीं कर रही, सीधा नहीं करो भी वरना उंगलियाँ मैसी हो जाएंगी पूरी अभी ना। चले तो ये होगा, ये लिए थे हमने, मज़े के लग रहे हैं खुशबू से ही। और ये ब्लॉग ख़त्म करने के बाद हम इसको ट्राई करेंगे चाय के साथ, हम इसको काटेंगे पीटेंगे खा लेंगे। सही है, ये हो गए कबाब जी फारिग हो कबाब जी फारिग हो। और अब आ जाते हैं चीज़ पे। हाँ तो हम चीज़ भी गए थे क्योंकि इम्तियाज़ पे इतना रश था, बहुत सारी चीज़ें आपकी रह जाती हैं। अच्छा हमें ना इम्तियाज़ से एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूं कि हमें ना मैदा नहीं मिला, मैदा लेने गई मैं और वहाँ पे पहाड़ बनाया हुआ था, मैदे की ना थैलियाँ यूँ पूरी इतना बड़े बड़े पहाड़ बनाए हुए थे और उसके चारों हाँ मैदे का पहाड़ यही कह सकती हूँ, उसकी थैलियों का पहाड़ बनाया हुआ था और प्लस उसके चारों तरफ ना ट्रॉलीस लगाई हुई थी। अब बंदा छलांग मार के तो नहीं जाके ले सकता ना, ये सुपरमैन हाँ ये वाली बैटरी लगा लेती तो शायद मैं उड़ के ले लेती। तो खैर इस तरह से उन्होंने, क्योंकि इतना ज़्यादा वो राशन के बैग्स वगैरह उन्होंने सेट किए हुए हैं ना, तो कुछ सामान हम ले पाए, कुछ सामान जो लेना था वो नहीं ले पाए। हाँ वो नहीं ले पाए। अच्छा तो चीज़ गए थे तो वहाँ से ये फिंगर्स अच्छी नहीं लगी, नज़र आई थी तो ले रही थी क्योंकि इनका टेस्ट बहुत अच्छा। यार ये ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अगर नहीं ट्राई किया अभी तक, बहुत बहुत मज़े की। और इसको ना फ्रिज में रख के खाएगा तो ओए होए होए क्या मज़े आएंगे आपके। और इसके अलावा खजूर के पैकेट लिए हैं, ये दो ईरानी खजूर के पैकेट लिए हैं। अच्छा यहाँ पे ना ये 150 रुपीज़ का एक पैकेट मिला है, नॉर्मली हमें 500 ग्राम का पैकेट मिलता है 250 रुपीज़ का। हाँ यहाँ पे खजूर का, ये ईरानी खजूर है और ये भी ईरानी है, ये भी ईरानी खजूर है, बस ये थोड़े से बड़े साइज की, ये बड़े साइज और रेट में ज्यादा फर्क। मैं बताऊँ ये था, ये 135 के थे। हाँ ये ऐसे कुछ था। ये 135 का था और ये थोड़े से बड़े साइज की तो ये 150 की थी। तो ये तीन पैकेट मैंने ले ली क्योंकि खजूर की तो जरूरत जरूर है। और इस बार कोशिश कीजिएगा पैक चीजें लें, खुली खजूरें ना लें। हाँ ठेले वाली चीज़ें इग्नोर करेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा फैल रहा है, बहुत ज़्यादा। और अपनी केयर जितनी कर सकते हो उतनी कीजिएगा। और हमें आइस क्यूब्स की ट्रे नहीं मिली। यार इस बार आइस क्यूब की ट्रे बहुत एक्सपेंसिव लग रही मेरे हिसाब से, मतलब बर्फ़ के लिए यार इतनी महंगी करने की क्या ज़रूरत। जो पसंद आ रही है ना वो 800 से कम की नहीं है। अब आप बताएं। अच्छा दो मैंने स्पून्स लिए हैं, सही है, एक ये राइस वाला और ये एक सालन वाला, क्योंकि एक मैंने पिछले साल लिया था उसके वो ख़राब हो रहा है यहाँ से ना, क्योंकि इतना इस्तेमाल कर लिया बेचारे को, ख़राब हो रहा है। ये 150 रुपीज़ के हैं, सस्ते हैं। 150 के हाँ 150 के। इसके अलावा मैंने एक ऑयल बॉटल ली है अपने चैनल के लिए क्योंकि मेरे पास ऑयल बॉटल नहीं थी यार, ये और ये अच्छी लगी तो मैंने ये ले ली। ये ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। और ये है मैं आपको बताऊँ 370 रुपीज़ की। वरना हमें ऑयल बॉटल्स जो पसंद आती हैं तो वो 900 या 1000 प्लस होती हैं, लेकिन वो बहुत बड़ी होती हैं, बहुत बड़ी आराम से मेरे हाथ में हैंडल हो जाएगी। हाँ, मतलब और हाफ लीटर इजीली क्या कहते हैं पकड़ सकती हूँ, मुझे वो 1 लीटर वाली नहीं चाहिए थी बॉटल्स, तो ये मेरे हिसाब से सही है। इसके अलावा दो ही गिलास लिए प्लास्टिक के क्योंकि इसका शेप बहुत अच्छा था, सिर्फ दो ही लिए क्योंकि ऑलरेडी गिलास माशाल्लाह से हैं घर में बहुत सारे, तो सिर्फ ये दो ही लिए। 150 रुपीज़ का एक गिलास है, 150 का एक है, ठीक है। और उसके अलावा दो ट्रे ली हैं हमने, हमें अच्छी लगी, हमने ले या ये बहुत अच्छी लगी थी। एक ये ली है ट्रे और इस पे यूं करके ऐसे टेक्सचर बना हुआ है और इसका डिज़ाइन भी बहुत। प्राइस मैं आपको बता दूं, इसकी प्राइस है 325 रुपीज़, 325 की है। और एक ये है, इसका भी डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लग रहा था। और ये हैगी 285 की, ये वाली 285 की, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। अब आ जाते हैं हम इम्तियाज़ भाई के ऊपर। अच्छा पहला है ये बिस्किट, इसके अलावा हमने पेटीज और बर्गर भी लिया था, वो हमने खा लिया है, वो खा लिया क्योंकि हम सुबह के निकले हुए थे और हमें भूख लग रही थी क्योंकि एक दो जगह गए और भी जगह हम गए थे। हमें पिज्ज़ा भी लिया है हमने, दिखा हाँ मैं पिज़्ज़ा दिखाती हूँ। हमें एक दो अपने काम निपटाने थे आज ही के दिन, मतलब हमने सोचा था कि संडे को अपने काम सारे निपटा देंगे, ग्रोसरी भी करेंगे और सारी चीज़ें हम अपनी कंप्लीट कर लेंगे। तो हमने तकरीबन हमारे सारे काम हो चुके हैं अब, अल्लाह का शुक्र है, अब बाहर नहीं जाना होगा, आराम से सुकून से रमज़ान हम आराम से गुजारेंगे। अच्छा जी क्या दूँ, पिज़्ज़ा दे दूँ? पिज़्ज़ा
दिखा दो, पिछली बार धोखा दिया था ना मैंने, पिछली बार आपने ना गलत उठा लिया था मुगालते में। मुगालते में अच्छा ये पिज़्ज़ा लिया है, उसमें उधर तीन साइज के पिज़्ज़ा हैं, एक 400 का, एक 600 का है और एक 150 का है, 160 ऐसी कुछ है। हाँ अच्छा उसकी क्वालिटी मुझे कोई इतनी ख़ास नहीं लग रही थी, ये फिर थोड़ा बेटर लग रहा था, लग रहा है कुछ फिलिंग है। हाँ इसकी क्वालिटी ज़रा बेटर, ये 400 वाला है, ये 400 वाला है और ये ना मतलब इसका क्रस्ट ज़्यादा भी नहीं है, पतला सा ही है। और पीछे ये बोर्ड लगाया हुआ है, कैसे फ्रिज में बिचारेगा कैसे, इसको फ्रिज में, इसको फ्रिज में भी रखती हूँ। और उसके अलावा अच्छा हमें बहुत सारा कोई सामान नहीं लेना था, थोड़ा बहुत आप कह रहे हैं इतनी सामान होता है वो लेना था कि भाई इसकी तो ज़रूरत, लेकिन ज़रूरत वो होता है ना कि इसकी ज़रूरत है लाजमी लेना। तो ये ली है हमने अगरबत्तियाँ क्योंकि घर हमें ख़त्म हो गई थी, ये पकड़ के मैं दिखा देती हूँ भाई, इसकी तो लाजमी अशद ज़रूरत पड़ती है टिशू रोल्स की, क्योंकि फ्राइंग होती है इस वजह से इनकी। इसके अलावा एक ये ली है हमने एमरजेंसी लाइट, हाँ रमजान में पता नहीं क्या होता है यार, सहरी में लाइट चली जाती है, सहरी में और रोजे के टाइम पे लाइट चली जाती है। हाँ वैसे नहीं जाती और थोड़ी देर के लिए जाती है फिर आ जाती है। अच्छा इधर मैंने एक संदल सोप लिया है क्योंकि एक पार्लर वाली है, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि फेस पे मैं ये यूज करूँ, इससे ऑयल कंट्रोल हो जाता है, तो मैं करके देखूंगी। और ये नीम सोप लिया है, उसके अलावा हमने लिए हैं कुछ कोल्ड ड्रिंक्स। अच्छा ये लिए हैं हमने 4 स्प्राइट, 0 शुगर लिखा हुआ लेकिन इसमें मिठास होती है, होती लिखा हुआ होता है कि 0 शुगर है उससे, लेकिन लिखा हुआ है ये 4, ये छोटी वाली है ना 500 ml की है ना। इसके अलावा ये हमने कोक ली है, ये भी कोका 0। आजकल कोक अच्छी लग रही है मुझे, आजकल अच्छी लग रही है भाई। तो ये हमने 0 शुगर वाली ली है और एक हमने वो ली है, अरे यार इम्पोर्टेंट चीज़ वो दिखा दो, मेरा पाकोला ओके यार ये ख़त्म होने वाला था, मैंने जल्दी से उठा लिया, सिर्फ 4 बॉटल्स रह गई थी और दिख ही नहीं रहा था, ये इतनी मुश्किल से मिलता है भाई। इसके अलावा एक और ये जंबो लिए, ये अच्छा ये मैं बताऊँ ये बहुत कम स्टोर्स पे ही मिलता है, ये तो मैं बताऊँ हाँ ये हर जगह पे नहीं अवेलेबल होता, और इसको दूध में बना के पिए। और इसके अलावा हमने ली हैं कुछ वेजिटेबल्स ली हैं, निकाल लो। अच्छा इसमें भी सामान है, है होगा मे बी, अब रश में तो ऐसे ही रखेंगे हम। हाँ ऐसे ही रखो, निकाल लो पहले, ये निकाल लो यहाँ पर निकाल लो। अच्छा मैं समझी बस यही सामान है, नहीं नहीं एक ये लिया है ये है स्पंज है ना, स्पंज है बाथ फ्लावर स्पंज, नीम से एक और निकला है इसमें से, इधर दिखाना है सॉरी सॉरी कर है ना। और ये हमने लिया है यंग्स का मेयोनीज, इसके साथ हमें बुक मिली है, इससे रमजान की हम रेसिपीज बनाएंगे, रेसिपीज बनाएंगे पकड़ो। इसके अलावा हमने लिया है एक आलू बुखारे का पैकेट, ये हम वैसे भी खाते हैं अच्छा लगता है। पाउडर मिल्क ख़त्म हो गया था, अच्छा आजकल अपिया ना पाउडर मिल्क ना ये वाला यूज़ कर रही हैं ऑलपर्स का, यार ये बहुत अच्छा है, क्रीमी है और इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, टेस्ट बहुत अच्छा है। इसके अलावा काजू दिए थे, ये और क्या है, अच्छा ये 2 जूस के पैकेट लिए हैं बस बस, एक ये है, ये तो मैंने ट्राई करने के लिए लिया है क्योंकि मैंने हलीब का कभी भी ट्राई नहीं किया है तो इसलिए लिया और स्लाइस हम लोगों को अच्छा लगता है, हर बार लेते हैं, एक तो पैकेट लेते हैं ज़्यादा नहीं। अब इसके बाद आ जाती है बारी वेजिटेबल्स की। अच्छा पर मैं आपको बताऊँ वहाँ से मुझे ना गोश्त लेना था और वो मैं नहीं ले सकी क्योंकि उसके ऊपर बहुत लंबी लाइन थी, उसके अलावा वहाँ पर ये था कि आप 1 किलो से ज़्यादा नहीं ले सकते, तो फिर मैंने नहीं लिया। अच्छा ये बंद गोभी है क्योंकि पूरे रमजान हम लोग ना सैलेड की बड़ी पाबंदी करते हैं, वैसे पूरे साल खाएं ना खाएं, खाए ना खाए पूरे रमजान जरूर खाते हैं क्योंकि उसके बगैर हमसे अफतारी नहीं की जाती है, कोई भी चीज़ हो ना, कोई भी एक नमकीन चीज़ होती है तो भले फ्राइंग हो या कैसे भी हो तो उसके साथ हमें अफतार के साथ ना सैलेड जरूर चाहिए होती है, इसके बगैर हमसे नहीं खाया जाता जो हम बनाते हैं पास्ता वाली सैलेड, पास्ता वाली सैलेड ये कुछ साल से हमारा ये रूटीन है, काफी साल से काफ़ी अर्सा हो गया उनको।
सैलेड खाते हुए। हाँ ये तो है। अच्छा इसके अलावा ये खीरा लिया है सैलेड में जो जाता है, में जो जाता है। और लिखा हुआ नहीं है क्या हिसाब मिला ये होगा ना पिया, मतलब ये 2.25 किलो है 103 रुपए का, 2.25 किलो 103 रुपए का। अच्छा हाँ इन्होंने लिखा हुआ नहीं किस हिसाब से दिया है, ये 100 रुपीज़ की दी है, 100.5 किलो है ना। अच्छा हाँ। अच्छा इसके अलावा ये 500 ग्राम से 0.5 किलो के बराबर है हरी मिर्ची, मोटी वाली हरी मिर्ची हैं, पेरी बाइट्स बनाने के लिए ली हैं मैंने ये। और ये 38 रुपीज़ की मिली है, इतनी मोटी वाली अच्छी मिली थी वहाँ पे ना, अच्छी फ्रेश आई नहीं थी। हाँ सब्जी अच्छी होती है इम्तियाज की, नो डाउट। इसके अलावा हमने ली है आलू की प्याज है, ये आलू की प्याज मैं आपको बता दूँ ये 80 रुपये की मिली है, तकरीबन 0.5 किलो के बराबर की है। फिर हमारे पास है शिमला मिर्च, शिमला मिर्च मिली है हमें, ये तकरीबन 0.5 किलो है और 39 रुपीज़ की है। इसके अलावा नींबू लिए हैं मैंने, और नींबू हैंगे ये कुछ एक पाव से थोड़े से ज़्यादा हैं, 167 रुपीज़ के। ठीक है नींबू महंगे मिले। और ये हमारी छोटी वाली हरी मिर्च है बारीक वाली, हाँ ये 26 रुपये की मिली है, तकरीबन 300 ग्राम्स के बराबर, एक पाव से ज़्यादा। और हमने लिए हैं करेले क्योंकि बहुत अच्छे आए हुए थे, मैंने सोचा करेले प्याज बनवाएंगे, मम्मी से बोलेंगे बना के खिलाएं हमें। ये मिले हैं ये 0.5 किलो से थोड़े से कम है, 70 ग्राम कम है, 430 ग्राम्स हैं, और ये मिले हैं 38 रुपीज़ के। और है आखिरी चीज़ ये है गाजर, गाजर है तकरीबन 700 ग्राम के बराबर, 700 ग्राम से थोड़ी सी ज़्यादा है, 43 रुपीज़ की। ठीक है बिल्कुल सही मिली है, सब्जी अच्छी होती है वहाँ की नो डाउट, हमें अच्छी लगती है। हाँ तो बस ये थोड़ा थोड़ा सा सामान था जो लेना था, जो कि हमने 2-3 जगह जाना था हमने कंप्लीट कर लिया, कंप्लीट कर लिया। और ऑयल उसके अलावा, अच्छा ऑयल की बॉटल ली है मैंने क्योंकि मुझे लेनी थी पाउचेस, क्योंकि हम पाउचेस का ही कैन लेते हैं हमेशा, कार्टन लेते हैं, मुँह से कैन निकल गया, कार्टन लेते हैं। और इस बार मैंने ये बॉटल उठा ली क्योंकि वहाँ पे जाने की जगह ही नहीं थी, तो इसलिए ये बॉटल उठा ली। और ये बॉटल इसलिए ली है क्योंकि मैं घर का इतना सारा ऑयल खर्च कर चुकी हूँ, तो ये लेना बनता था। हाँ अभी जितनी फ्राइंग की चीज़ें बनी ना तो ऑयल खर्च हो गया, एक्स्ट्रा ही ज़्यादा ऑयल लगता है फ्राइंग की चीज़ों में, तो इस वजह से ये मैंने ले लिया, बस यही सब सामान लिया है, थोड़ा सा हाँ अलग अलग जगहों से जो कि लेना, थोड़ा थोड़ा करके इतना हो गया। और ज़रूरी भी होता है कि फिर अब ये हो जाएगा कि हमारी छुट्टी हो जाएगी कि यार अब नहीं जाना होगा, अब हम जाएंगे ईद ग्रोसरी के लिए बस, इंशाल्लाह इंशाल्लाह ईद ग्रोसरी के लिए जाएंगे, तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे कि उसमें क्या क्या लेकर आएंगे हम। तो यहीं तक थी हमारी आज की ग्रोसरी, जो भी छोटा मोटा सामान रह गया था सारी कंप्लीट कर ली हमने अल्हम्दुलिल्लाह। और यहीं तक का था हमारा आज का व्लॉग, आप लोगों ने बताना है आज का व्लॉग कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।